बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 4:30 बजे मेरे बहुत करीबी दोस्त साथी अली जाफर नकवी उनके घर रेड किया गया, क्योंकि वह नून फैमिली का तर्जमान था और नून फैमिली मेरे हलके में इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रही है बड़ी ओपन, और पूरे पैनल को सपोर्ट किया जा रहा है। तो बिलावल साहब आए, बिलावल साहब को भी उन्होंने होस्ट किया, बिलावल साहब उनके घर गए, तो उसके बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और आज अली जाफर नकवी के बेटे को गुलफाम नकवी एडवोकेट को सुबह घर से सादा कपड़ों में लोग आए, 3 वीगो डाले और 2 गाड़ियाँ थी, ख्वातीन से भी बदतमीजी की, चादर और चार दीवारी का भी तकदस पमाल किया और सैयदजादियों को गालियाँ भी दी गई तो उठा कर ले गए। इस तरह ये एक जुल्म और बर्बरियत है और जबर है, तो मैं समझता हूँ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मेरा मुतालबा है कि फिल फौर गुलफाम एडवोकेट को रिहा किया जाए। और हमारे हलके में क्योंकि नून लीग को वाजह नज़र आ रहा है कि शिकस्त है उनको, बिलावल साहब के कामयाब जलसे के बाद और उस हमारी कैंपेन और साथियों की मोहब्बत के बाद, तो पहले और पार्टियों के लोगों को भी उठाया गया और अब पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता लोगों को भी उठाया जा रहा है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार इस इलेक्शन को मजीद मुतनाज़ा न करें, इलेक्शन लड़ने दें। जो प्री पोलिटिकिंग होनी थी हो गई, अब इलेक्शन लड़ने दें लोगों को और लोग इस मुल्क के लिए बेहतर होने दें।